इस वाली लाइट रे को इस लेंस ने कम बैंड किया, तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे इस लाइट रे को इस लेंस ने ज़्यादा बैंड किया, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कम आ रही है। तो क्या रिलेशन समझ में आया कि जिस लेंस की पावर ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। तो इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर कोई भी लाइट रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो जो लेंस लाइट रे को ज़्यादा बेंड करेगा, जो ज़्यादा बेंड करेगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। इस लेंस ने लाइट रे को ज़्यादा बेंड किया, तो ज़्यादा बेंड किया तो क्या होगा, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम आनी चाहिए। ये कम बेंड हो रही है तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सीधा फॉर्मूला बन गया पावर ऑफ द लेंस इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ।